नमस्कार, आओ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत। मैं हूं कैलाश शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन का दूसरा भाग। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गुड से शुरू होने वाले ग्रीटिंग्स सीखे थे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय वगैरह। इस बार हम गुड से एक दो कदम आगे बढ़कर बेस्ट से शुरू होने वाले ग्रीटिंग्स सीखते हैं। जब आप किसी बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए शुभकामना देना चाहें, यानी अच्छी हेल्थ की शुभकामना देना चाहें, तो आप कहेंगे बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेस्ट ऑफ हेल्थ। बीमार व्यक्ति से अस्पताल में मिलने पर या कहीं और मिलने पर, या आपको किसी के द्वारा यह सूचना मिले कि वो बीमार है, तो आप उसे कहेंगे बेस्ट ऑफ हेल्थ, यानी आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना। सामने वाला आपको थैंक यू कहता है। वैसे ही जब कोई इंसान किसी बड़े काम के लिए जाने लगता है, जैसे परीक्षा के लिए या कोई कोर्ट कचहरी के काम के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, तो आप उसे सौभाग्य यानी अच्छे लक की शुभकामना देते हैं और कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। आप कहते हैं बेस्ट ऑफ लक और अंडरस्टूड है कि जब आप ऐसी शुभकामना सामने वाले को देते हैं तो वह बदले में कहेगा थैंक यू। इसी तरह जब कोई मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या परिचित यात्रा पर जाते हैं, तो आप उन्हें यात्रा की शुभकामना देते हैं और कहते हैं बेस्ट ऑफ जर्नी। आप उन्हें कहते हैं बेस्ट ऑफ जर्नी और वो आपसे कहते हैं थैंक यू। अब हम तलाश करें एक ऐसी विश की, एक ऐसी ग्रीटिंग की, एक ऐसी शुभकामना की जिसमें ढेर सारी शुभकामनाएं एक साथ शामिल हो, यानी वो शुभकामनाओं का एक गुलदस्ता हो, एक बुके हो, जिनमें अनेक प्रकार की शुभकामनाएं शामिल हो। उदाहरण के लिए, एक बीमार व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है, कभी कभी मजबूरी होती है, जाना भी पड़ता है, तब आप उसे क्या कहेंगे? यह मान लीजिए कि एक व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है पर परीक्षा देने जा रहा है, यानी उसको आपको यात्रा की शुभकामना भी देनी है और अच्छे लक की शुभकामना भी देनी है। ऐसे में जो जुमला इस्तेमाल होता है वो है ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का मतलब है सभी प्रकार की शुभकामनाएं। या फिर हम कहते हैं बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग और ऑल द बेस्ट, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का मतलब है समस्त प्रकार की शुभकामनाएं, यानी सारी शुभकामनाएं एक साथ। यहां भी आपको थैंक यू ही बोलना होगा। इस प्रकार हमने पांच विशेष देखी जिनमें शुरू में या आखिरी में बेस्ट है। पहली है बेस्ट ऑफ हेल्थ, दूसरी बेस्ट ऑफ लक, तीसरी बेस्ट ऑफ जर्नी, चौथी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग या ऑल द बेस्ट, यानी पांचवी होगी ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिकल देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें आपको याद हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं एक डायलॉग। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें संजू और मंजू आपस में बात कर रहे हैं। संजू यात्रा पर जा रहा है, उसने मंजू को इन्फॉर्मेशन दी कि वो बाहर जा रहा है। संजू ने कहा बेस्ट ऑफ जर्नी। जैसे ही उसने बेस्ट ऑफ जर्नी कहा, मंजू आंसर करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा थैंक यू। रहीम और करीम आपस में बात कर रहे हैं। रहीम ने कहा कि करीम मैं बीमार हूं, आई एम इल, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस पर करीम ने उसे कहा बेस्ट ऑफ हेल्थ और रहीम ने उसे आंसर में कहा थैंक यू। झूमा और झूमी आपस में बात कर रहे हैं। झूमा ने देखा कि झूमी परीक्षा देने जा रही है और वो यात्रा पर भी जा रही है, मतलब उसे परीक्षा देने दिल्ली जाना है, भोपाल जाना है, बाहर कहीं जाना है। इस पर झूमा ने उसे कहा ऑल द बेस्ट झूमी। झूमी ने उससे कहा थैंक यू झूमा। इस तरह से हमने समझा कि लोग एक दूसरे को बेस्ट ऑफ जर्नी, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हेल्थ वगैरह कहते हैं और आंसर में हमेशा थैंक यू बोला जाता है। आप अच्छी तरह अंग्रेजी सीखें, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं, हर प्रकार की शुभकामना देता हूं। मैंने आपसे कहा ऑल द बेस्ट, आप क्या कहेंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं आपको मुझे क्या कहना है, तो आप मन ही मन नहीं, जोर से मुझे कह दीजिए वो जो यहाँ कहना उचित है।
तो हम एक चीज और आखिरी में समझ लें कि गुड वाली जितनी विशेष थी उसमें हम जो भी बोलते थे उसका आंसर वही विश होती थी। जैसे मैंने गुड मॉर्निंग कहा तो सामने वाला मुझे वापस गुड मॉर्निंग कहता था। मैंने कहा गुड इवनिंग तो सामने वाला मुझे गुड इवनिंग कहता था। पर बेस्ट वाली विशेष में ऐसा नहीं है। बेस्ट वाली विशेष में जब मैं उसे विश करता हूँ ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ जर्नी या बेस्ट ऑफ लक कुछ भी, तो आंसर में वो सामने वाला व्यक्ति थैंक यू बोलता है। तो आपको ध्यान रखना है बेस्ट वाली जितनी भी विशेष हैं उनके जवाब में हमेशा आपको थैंक यू बोलना होता है, जबकि गुड वाली विशेष को रेसिप्रोकेट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, उनका प्रत्युत्तर देने के लिए आपको उन्हीं जुमलों का इस्तेमाल करना है जिनका सामने वाले ने इस्तेमाल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।